हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ गैप क्लोजर डायस्टमा के बारे में। अगर आपके दांतों में भी स्पेसिस हैं और आपको अच्छे नहीं लगते हैं और आपका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखें। दांतों के बीच में कई बार गैप मल्टीपल्स होते हैं और कई बार सिंगल होते हैं, यूजली मिड लाइन में होता है, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है और कई लोग उसे लकी मानते हैं। बट अगर आपको स्पेसिस अच्छे नहीं लगते हैं तो आपके पास ब्रेसिस के अलावा और भी सोल्यूशन है। अगर आपके दांतों के बीच में गैप्स हैं और दांतों का बैलेंस खराब है तो आपको ब्रेसिस के थ्रू ही ठीक कराना पड़ेगा। बट अगर दांतों का बैलेंस ठीक है, सिर्फ स्पेसिस की प्रॉब्लम है, तो आप गैप क्लोजर और भी तरीकों से करा सकते हैं। गैप क्लोजर के लिए यूजुअली कंपोजिट और ईमैक्स का यूज किया जाता है। पहले जब गैप क्लोजर किया जाता था तो दोनों दांतों पे कैप लगा दी जाती थी, जिससे कि गैप दोनों दांतों में आधा आधा डिवाइड कर दिया जाता था, पर उसके लिए आपके नेचुरल टीथ को कट करना पड़ता था। बट जब हम कंपोजिट या ईमैक्स के थ्रू गैप क्लोजर करते हैं तो सिर्फ साइड से आपके दांतों का सपोर्ट लिया जाता है, तो यह मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट में आता है, यानी कि आपके दांतों को ज्यादा कट भी नहीं करना पड़ेगा, हल्का हल्का साइड से रफ किया जाएगा और वहीं से सपोर्ट लिया जाएगा। तो अगर आप गैप क्लोजर का प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। गैप्स होने की वजह से कई वर्ड्स की प्रोनंसिएशन भी ठीक से नहीं हो पाती। अगर आप ये ट्रीटमेंट चूज करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।